कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद भी शहर में नायलॉन मांझे से सुरक्षा नहीं हो पा रही है पिछले दो सालों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मनपा प्रशासन ने कड़ी जांच और कार्रवाई करने का दावा किया है हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद भी शहर में नायलॉन मांझे से सुरक्षा नहीं हो पा रही है आपको बता दें कि नाइलॉन मांझे के चलते नागरिकों और पक्षियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस साल मनपा और पुलिस की कड़ी नजर को चकमा देने के लिए अवैध नायलॉन मांझा विक्रेताओं ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है सीधे ग्राहकों से व्हाट्सएप ऐप पर संपर्क किया जा रहा है इस तकनीक के चलते पुलिस और मनपा की कारवाही के घेरे में विक्रेता नहीं आ पा रही है रूपा पंडित ब्यूरो रिपोर्ट